सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के अंतर के बारे में, देखेंगे कि ये ट्रेडिंग किस तरह के निवेशक को सूट करती है, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और आपके लिए कौन सा माध्यम ज्यादा सही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कुछ बेसिक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग के। अब इंटरनेट आने से पहले जो स्टॉक मार्केट में निवेश होता था वो ऑफलाइन लेवल पे होता था, मतलब जो निवेशक है, ट्रेडर है, वो जाके लोकल सब ब्रोकर ऑफिस पे या फोन करके बताता था कि उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना रिस्क ले सकता है वो अपने निवेश में, कितना रिटर्न चाहता है वो, कितने समय के लिए निवेश करना चाहता है, कौन सी उसकी प्रेफरेंसेस हैं, और उसके बेस पे जो स्टॉक ब्रोकर था वो बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करता था अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। तो कंट्रोल सारा जो लोकल सब ब्रोकर है या स्टॉक ब्रोकर है उसके पास रहेगा, पैसा भी उसके पास रहेगा, रिटर्न जब आएंगे तो आपको इतला कर दिया जाता था, बताया जाता था। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने से काफी चीजें डिफरेंट हो गई हैं, कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है, मोबाइल ऐप के थ्रू अब आप खुद से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अपने बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये सब कुछ आप खुद चूज कर सकते हैं। सिर्फ निवेशक ट्रेडिंग के लिए नहीं, अलग क्रॉस इंडस्ट्रीज में ये फर्क आया है, स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सुविधाएं काफी बढ़ गई हैं और इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेडिंग ने थोड़ा सा बैक स्टेज ले लिया है, थोड़ा सा पीछे चला गया है, लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो प्रेफर करते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग करना, उनके खुद के कुछ रीजंस हैं, उन्हीं कुछ रीजंस को डिफरेंशिएट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो पहला डिफरेंस है, जो पहला फर्क है, ऑब्वियसली कंट्रोल का ही है। ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग खुद से कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग होने के कारण, आपको किसी की असिस्टेंस उसकी जरूरत नहीं है, अनलेस कि आप टेक सेवी नहीं है, मतलब आपको ट्रेडिंग मोबाइल ऐप या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अच्छे से करना नहीं आता, सही समय पे ऑर्डर पंच नहीं करना आता, तो उस केस में आप मदद ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आप जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले चुके हैं, हालांकि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री से भी जो के अपने इन हाउस डीलर, सिक्योरिटी एडवाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, जो समय समय पे आपको फोन करते हैं, बताते हैं कि आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ये सही समय है, ये टारगेट प्राइस है, ये स्टॉप लॉस के साथ आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका चॉइस है कि वो ऑर्डर आपको प्लेस करना है या आप वापस से कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी लेंगे और कहेंगे अपने ब्रोकर को कि वही ऑर्डर पंच करे। दूसरा अंतर है फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब कि अब आपको स्टॉक ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको फोन करने की जरूरत नहीं, हालांकि कर सकते हो आप, ये ऑप्शन है आपके पास कि लोकल सब ब्रोकर के पास जाके विजिट करें, उसको ऑर्डर बताएं या उसको फोन करें, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मोबाइल एप्लीकेशन, टर्मिनल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, अभी तो स्मार्ट वॉच ऐप ही आ गई है, मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकर है जो कि स्मार्ट वॉच ऐप प्रोवाइड करता है, जो कि आपको ट्रेड्स या स्टॉक मार्केट से लगातार कनेक्टेड रखती है। तो उस तरीके से आपके पास बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी ऑनलाइन माध्यम क्यों ना हो, सब तरह की एप्लीकेशंस मौजूद हैं, कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, मोबाइल, टैबलेट से आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, इसमें आपको अनअवेलेबिलिटी की टेंशन नहीं है, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी समय आपको लगे कि मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट वॉच आपको कह रही है कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो गई है, आप साथ के साथ अपना ऑर्डर ट्रिगर कर सकते हैं। अगला जो ऑब्वियस अंतर है वो है फीस का, ब्रोकरेज का, पैसों का। अब अगर आप ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत से लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजर हो जो आपसे कनेक्टेड रहता है, चाहे वो आपका लोकल सब ब्रोकर ऑफिस का मैनेजर हो जो आपके ऑर्डर्स प्लेस करता है, आपकी कॉल्स उठाता है, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी के एग्जीक्यूटिव्स हो, या कोई भी स्पेसिफिक लेवल का ओवरऑल चेन में एक एम्प्लॉय हो, तो इस तरह के एम्प्लॉयज की चेन के कारण ऑब्वियसली खर्चा बढ़ता है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको इन सब लेयर्स की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कब ऑर्डर प्लेस करना है, तो उस केस में सिंस ब्रोकर के खर्चे कम हो जाते हैं तो आपसे पैसे भी कम लेता है, तो
पर ट्रेड 10 रुपए 20 रुपए आप इरिस्पेक्टिव कि आपका ट्रेड वैल्यू क्या है वो आपको देनी पड़ेगी ऑनलाइन ट्रेडिंग में। ऑफलाइन ट्रेडिंग में अभी भी कुछ परसेंटेज आपका टर्नओवर का कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेस पे ब्रोकरेज ली जाती है जो कि 100 रुपए हो सकती है, 80 रुपए हो सकती है, 500 रुपए हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपका टर्नओवर क्या है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो फिक्स्ड प्राइस ही ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अगला अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग में रिसर्च का। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग आपको फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर दोनों प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि ऑनलाइन ब्रोकिंग का मतलब है डिस्काउंट ब्रोकिंग। ऑनलाइन आपको ट्रेडिंग जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो भी करवा सकता है, लेकिन जो रिसर्च है, जो टिप्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो ज्यादातर फुल सर्विस ब्रोकर्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। डिस्काउंट ब्रोकर्स में बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, 5paisa है, आरके ग्लोबल है, ऐसे एक दो ही ब्रोकर्स दिखते हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग में जो आपको टिप्स फ्री रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकिंग में आपको जनरली रिसर्च नहीं मिलेगी। हाँ, फुल सर्विस ब्रोकर्स विद इन ऑनलाइन ट्रेडिंग आपको सर्टेन लेवल पे रिसर्च, रिकमेंडेशंस, टिप्स, आईपीओ रिव्यूज, हर तरह की ऐसी रिपोर्ट्स रेगुलर लेवल पे प्रोवाइड करेंगे, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली, इन तरह की फ्रीक्वेंसीज पे। अगर आप ऑफलाइन ट्रेडिंग पे ही काम करते हैं तो जो आपका लोकल ब्रोकर है, लोकल एग्जीक्यूटिव है, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू टिप्स प्रोवाइड करता है, लेकिन क्वालिटी क्या है ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। हाँ, आपको रिसर्च ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर फुल सर्विस ब्रोकर्स ही ज्यादातर दे पाएंगे। हाँ, अगला जो डिफरेंस है वो है फील ऑफ ट्रस्ट का। फील को हमने कोट्स में रखा है बताने के लिए कि बहुत से जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो आपको ट्रस्ट की बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो एक फील होता है, वो एक्चुअल में हो ना हो दैट इज थ्योरेटिकल इन नेचर। अब ऑफलाइन ट्रेडिंग में जब आप करते हैं निवेश तो लोकल सब ब्रोकर है, आपके एरिया के आसपास है, आपके शहर में है, आपके विसिनिटी में है, आपको पता है कि अगर कुछ गलत होता है तो आपको कहां जाना है। अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग, प्योर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं आप, मान लीजिए कि सिर्फ मुंबई में उनका ऑफिस है और आप लेट्स से राजस्थान में है या गुजरात में है, तो उस केस में फिजिकली विजिट करना टफ रहेगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा। आपके पास कम्युनिकेशन चैनल्स लिमिटेड रहेंगे, फॉर एग्जांपल फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास ज्यादा कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं रहेंगे। तो एक फील ऑफ ट्रस्ट मिलता है ऑफलाइन ट्रेडिंग में कि अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपको पता है कि क्या और कहां करना है अगर आपसे बात करनी हो तो। तो ये फील ऑफ ट्रस्ट एक काफी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है स्पेशली बिगिनर लेवल ट्रेडर के लिए। लेकिन आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनसे आप जब बात करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी एक्रेडिक्शन, उनकी मेंबरशिप चेक करें, एनएससी, बीएससी, सेबी के द्वारा क्या मेंबरशिप आईडीज हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जाएं, बीएससी की वेबसाइट पे जाएं, उस आईडी को कंफर्म करें, फिर आप थोड़ा सा ट्रस्ट उन पे ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मेंबर है एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी का, एक ऑथोराइज बॉडी का, और उसके बेस पे ही वो निवेश करवा रहा है। आखिरी अंतर इस पर्टिकुलर वीडियो में है ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग के बीच में, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बहुत से जो निवेशक हैं वो चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कोई स्पेसिफिक एक्सपर्ट हैंडल करे रादर देन वो खुद से मैनेज करे। शायद समय की भी दिक्कत होती है, लिमिटेड टाइम होता है कुछ लोगों के पास, तो वो खुद से पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करना चाहते, रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, उस केस में वो ब्रोकर की मदद लेते हैं। ज्यादातर जो ये असिस्टेंस है वो HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। अब ऑनलाइन ट्रेडर्स भी, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोवाइड करने वाले रादर ब्रोकर्स भी PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑफलाइन ट्रेडिंग में ये सुविधा आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो ये अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं तो लोकल सब ब्रोकर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंस आता है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल आता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन का डिफरेंसेस है, प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंस है। इसके अलावा एक्सपीरियंस वर्सेस न्यू ट्रेडर, मतलब अगर नए निवेशक हैं आपको ट्रस्ट फैक्टर वाली बात सामने आएगी तो उस केस में आप लोकल ब्रोकर के कॉन्टैक्ट में जाना चाहेंगे। तो ऐसी चीजें हैं, सब्जेक्टिव हो जाती हैं, तो लेकिन मेजर जो लेवल पे डिफरेंसेस हैं वो हमने ट्राई किया है इस वीडियो में कवर करने का। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है इन डिफरेंसेस को तो हमारी वेबसाइट www.blogger.com/online-share-trading/online-versus-offline-trading पे जा सकते हैं। हमसे कुछ मदद चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर के सजेशन के लिए तो /free-stock-broker-suggestion पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर तो डेफिनेटली कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।